हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुमाज किचन। आज मैं आपके लेकर आई हूँ लादी पाव। घर पे कैसे बनाते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लेंगे सबसे पहले गरम दूध। तो हल्का गरम दूध लेना है, ज़्यादा गरम दूध नहीं लेना। दूध की जगह पे पानी भी ले सकते हैं। यहाँ पे डालेंगे चीनी। तो चीनी 2 चम्मच मैंने पहले ही डाल चुकी थी, इसीलिए यहाँ पर नहीं डाली हूँ। और कैमरा ऑफ हो चुका था, इसलिए वो नहीं हो पाया था शूट। तो चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर लेंगे ड्राई एक्टिव ईस्ट। तो यहाँ 2 चम्मच के करीब डालेंगे, एकदम भरा भरा नहीं है, हल्का हल्का सा 2 चम्मच के करीब लेंगे, यानी कि ग्राम में 8 से 10 ग्राम के करीब लेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे ईस्ट को। तो चीनी भी लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चीनी है जो ईस्ट का खाना होता है। तो चीनी आप यहाँ पर ले, आप चाहे तो हनी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा चीनी की जगह पर। चीनी हनी दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हैं आप। इसे ढक दे 15 से 20 मिनट तक। तो आप देख रहे हैं ईस्ट एक्टिव हो चुकी है, बबल्स आ गई है। अगर ईस्ट एक्टिव नहीं हो रहा है तो आप इस रेसिपी को यहीं पे स्किप कर दें, आगे ना बढ़े रेसिपी में। तो यहाँ पे डालेंगे मैदा। तो यहाँ पे मैं 400 ग्राम के करीब मैदा ले रही हूँ, 100 ग्राम उसमें रहने दी, 500 ग्राम का एक पैक था। तो यहाँ पे ले रही हूँ मिल्क पाउडर 2 चम्मच के करीब, हल्का सा नमक, और इन्हें मिक्स कर देते हैं। जो ईस्ट एक्टिव हो चुके हैं उनको इसमें डालेंगे और इसे मिलाएंगे। तो यहाँ पे अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे और भी दूध की ज़रूरत पड़ेगी, तो दूध या पानी आप जो भी ले तो वो हल्का सा गर्म होना चाहिए। पानी ले तो उनको भी गर्म कर ले, दूध है तो दूध को भी गर्म रहने दे। तो यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने बर्तन चेंज किया। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आटा को लगा लेंगे। तो आटा हल्का गीला ही होना चाहिए, जैसे रोटी का आटा होता है ना, उससे सख्त नहीं होना चाहिए। और थोड़ा गीला आटा को यहाँ पे हमें बहुत देर तक लगानी पड़ती है, 15 से 20 मिनट तक हमें आटा को लगाना होता है। पाव बनाने में आटा बहुत ज़रूरी होता है, कि इसे 15-20 मिनट 25 मिनट तक लगाते रहे, मसल कर। तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको बटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी आपको आटा लगाते लगाते वो ड्राई हो जाती है, जैसे ड्राई हो तो हाथ में चपकने लगेगी, तो आप यहाँ पे बटर लगा ले, या फिर ये रिफाइंड ऑयल लगाए और आटा को मस ले। तो इस तरह कर आटा को लगाना है 15 से 20 मिनट तक। अगर आप आटे बहुत अच्छे से लगाते हैं तो आपका पाव बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होंगे। तो प्लम के सहायते से इस तरह से करके आटा को लगानी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं किस तरह स्ट्रेचबल हो रहे थे। इस तरह किससे आटा हो लगानी चाहिए, 15 से 20 मिनट 25 मिनट आटा लगाए। मैं 2 से 3 बार ये बात रिपीट कर रही हूँ। इस तरह से इसके एक अच्छा सा गोला बनाकर इसे आटा को रख देंगे एक्टिव होने के लिए। तो आप 1.5 से 2 घंटे बाद देखेंगे आटा बहुत ज़्यादा ये फूल के बहुत जो है ना डो उससे दुगुनी हो जाती है, तभी आप रेसिपी में आगे बढ़े, नहीं तो यहाँ पे भी आप स्किप कर सकते हैं। तो ऊपर से वायर लगा दे और इसे कवर करके 2 घंटे 1.5 घंटे के लिए आप रख दे। तो अभी तो गर्मी है तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, 1 घंटे में भी आटा एक्टिव हो जाएंगे। अगर ठंडी का मौसम है तो 2 घंटे लग जाते हैं, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 1 घंटे के करीब लगेंगे। यहाँ पर पंच मारेंगे और आटा को बाहर निकालेंगे, वापस से इसे 2 से 3 मिनट तक लगा लेंगे आटा को। तो दो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये आटा फूल गए हैं तो हर जगह बबल्स होंगे उसमें, तो इसे लगाकर एक जैसा कर देंगे। तो इस तरह से मलमल के 2 से 3 मिनट लगा लें आटा को। आप कोई भी ईस्ट ले तो अच्छे ब्रांड का ही ईस्ट ले, और ईस्ट एक्टिव हो तो भी आगे रेसिपी में बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर आपको पाव नहीं फूलेंगे, अजीब रोटी सब हो जाएंगे। तो इस तरह पिज्ज़ा कटर से आप कट कर ले। तो यहाँ पे मैं स्मॉल वाला पाव होते हैं वो बना रही हूँ, छोटा मिनी पाव बना रही हूँ। आप चाहे तो बर्गर पाव भी बना सकते हैं बड़े वाले, तो आप अपने हिसाब से काट सकते हैं और छोटे बड़े पाव अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मिनी पाव बना रही हूँ, जिसलिए छोटे छोटे लोई ले रही हूँ, ताकि मैं मिनी पाव बना पाऊँ और बड़े भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, गोला गोला करके डाल देंगे बेकिंग ट्रे में। तो अगर आपके पास वेट मशीन है तो आप नाप के भी बना सकते हैं, छोटे या बड़े जैसे भी आपको बनाना हो, या तो फिर अपने अंदाजा से भी बना सकते हैं। तो मैं इसी तरह बना रही हूँ अंदाज से। तो इस तरह से हम गोला कर लेंगे और बेकिंग ट्रे में डाल देंगे। बिल्कुल कम मेहनत है, प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आई होप आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आइए, भी मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ, कोई भी माइक्रोवेव में बना सकते हैं कन्वेक्शन मोड में जाकर। तो यहाँ पे मैंने जो बेक करने वाला ट्रे है उसको ग्रीस किया, इस तरह से एक डो डाला इसमें, वापस से दूसरा डालूँगी
और भी अगर आप रेसिपी देखना चाहते हैं माइक्रोवेव तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सी रेसिपी आपको देखनी है। तो इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से सारे पाव को हम लो बनाकर डाल देंगे। ये हुई दूसरी और ये तीसरी, इस तरह सारे बन चुके हैं। तो इसमें ज़्यादा नहीं, 10 ही बने हैं मिनी पाव। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे भी मिल्क ब्रश कर दें। तो मिल्क ब्रश करने के बाद इसे ढक दें, तो 1-1.5 घंटे के लिए इसे आप रख दें, आधा घंटे के लिए भी रख सकते हैं जब ये दुगुनी हो जाए। तो यहाँ पे हम प्री हीट करेंगे ओवन को 200 डिग्री पे, वापस से मिल्क ब्रश कर देंगे। यहाँ पे लोअर रैक डालें और यहाँ पे डाल दें पाव वाली ट्रे। फिर यहाँ पे 200 डिग्री पे जाके कन्वेक्शन मोड में 200 डिग्री पे जाएंगे, 20 मिनट के लिए सेट कर दिए। हो सकते थे पहले भी पाव बन जाए या थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो सकते हैं, 22-20 मिनट लग सकते हैं या 18 मिनट भी बन जाते हैं। अगर आपको लगे कि एक साइड से पाव बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं, दूसरी साइड से नहीं पके हैं, तो क्या करें, पाव को बैक कर दें होने के बाद और दूसरी साइड से भी आप 8-10 मिनट पका लें। कभी कभी होता है माइक्रोवेव में कि एक साइड से पक जाएंगे, दूसरी साइड से नहीं पकते रहे। ये देखिए कितने बढ़िया सा पाव बनकर तैयार है ना, मेहनत की फल। पाव बहुत ही बढ़िया से, यहाँ पर मैं बटर का ब्रश दे रही हूँ, बटर या फिर आप रिफाइंड ऑयल का भी ब्रश कर दें और इसे ढक दें। तो कपड़ी गिली होनी चाहिए, कपड़ी गिली होकर ढक दें। आप इसे 15-20 मिनट तक रेस्ट में ही रखें। इसके बाद साइड साइड से इस तरह चाकू से करें ताकि स्केच कर ले और इसे एक ट्रे में निकाल लें और इसे रख दें हायर लेग पे, या फिर आपके पास बेकिंग के होंगे नेट टाइप के उस पर डाल दें ताकि अंदर से भी हवा जाए और वो पाँव थोड़े से ड्राई हो जाए। 2-3 घंटे बाद बहुत ही अच्छे पाँव ठंडे हो जाते हैं, तो आप कोई भी रेसिपी बना के यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी, मेरा तो 15-20 मिनट ही हुआ है, आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे पाव बने थे।